As I said, teachers forum. जिंदाबाद. As I said, teachers forum. जिंदाबाद. हम क्या चाहते हैं? शालोम. 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 हमारे साथ इंसाफ करो. हमारे साथ इंसाफ करो. हमारे साथ इंसाफ करो. हमारे साथ इंसाफ करो. गवर्नमेंट आप लोग होश में आओ. डीलिंग करो. हमारी सैलरी डीलिंग करो. हमारी सैलरी रिलीज 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 करो. प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर एसएसए टीचर्स फोरम, आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए रखा है कि आए दिन रियासती सरकार, वज़ीरे ख़जाना, वज़ीरे तालीम की तरफ से हमारे साथ हाइड एंड सीक पॉलिसी खेली जा रही है. हम सरकार से ये कहते हैं कि हमारी सैलरी जो है वो डीलिंक की जाए. एसएसए के अंडर काम करने वाले उस्ताद इकराम जो हैं उनकी सैलरी डीलिंक की जाए और हमें रियासती स्टेट बजट से सैलरी दी जाए. अगर रियासती सरकार ऐसा करने में फेल हो जाती है तो जम्मू कश्मीर एसएसए टीचर्स फोरम ने यह फैसला किया है कि हम आने वाले दिनों में कंटिन्यू चेन हंगर स्ट्राइक करेंगे. अगर किसी भी साथी का कोई नुकसान होगा तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो रियासती सरकार की होगी. वो काम कर रहे हैं. यहाँ पे रियासती सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि मरकज़ की तरफ से हमें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, कम पैसे दिए जा रहे हैं. और मरकज़ की तरफ से ये कहा जाता है कि आपको जो है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है रिक्वायरमेंट जो है वो प्रॉपरली नहीं आ रही है. रियासती सरकार और मरकज़ी सरकार हमारे साथ हाइड एंड सीक पॉलिसी खेल रहे हैं. हम दोनों सरकारों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसे की कोई कमी नहीं है. हम उनसे कहते हैं कि आप जो हमारा सालाना बजट जो है वो एक साथ दे दीजिए. और दूसरी तरफ हम रियासती सरकार को ये कहते हैं कि एसएसए के अंडर काम करने वाले जो उस्ताद इकराम हैं उनकी पोस्टें जो हैं वो रियासत में क्रिएट की जाएं और हमारी सैलरी जो है वो स्टेट बजट नॉन प्लांट से दी जाए ताकि एसएसए के अंडर काम करने वाले उस्ताद इकराम परेशानियों के बजाय बच्चों को स्कूलों में अच्छे से तालीम दें.